Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो finally the great one Rock ने statement दिए अपने retirement को लेकर और बताया कि क्या वो हमें फिर से wrestling के अंदर देखने को मिलेंगे. इसके अलावा Seth Rollins की हो चुकी है वापसी क्योंकि वो लौट चुके हैं action में और Roman Reigns की Hobbs & Shaw movie में एक बहुत ही funny incident के बारे में जो कि मुझे लगता है आप लोगों को जरूर जान लेना चाहिए. तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग Seth Rollins से. तो इस हफ्ते के रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि Brock Lesnar ने बहुत तगड़ी वाली बीटिंग दी Seth Rollins को और उसके बाद जब वो एम्बुलेंस पर भी जाते हैं तो वहां से Brock Lesnar उन्हें बाहर निकालते हैं और उसके बाद फिर से उन्हें F5 लगाते हैं, जिसके बाद जो कंडीशन थी Seth Rollins की वो काफी ज्यादा खराब थी. लेकिन रिसेंटली मैं आपको बता दूं जो WWE का लाइव इवेंट हुआ वहां पर वापसी कर चुके हैं Seth Rollins और यहां पर आप लोग फोटोज के अंदर Seth Rollins को देख सकते हैं. उन्होंने अपने पेट पर थोड़ी सी प्रोटेक्शन तो लगाई हुई है बट स्टिल यहां पर वो हमें पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं. लेकिन यहां पर जो WWE का कैप्शन है वो हमें कुछ ऐसा बताता है कि स्टिल Seth Rollins अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है और क्या वो समर स्लैम में एक तगड़ा चैलेंज दे पाएंगे Brock Lesnar को. अब मैं आपको बता दूं फिलहाल अगर वो लाइव इवेंट में आ चुके हैं तो इसका मतलब यहां पर एक क्लियर है कि Seth Rollins के पास ऐसा कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं है और वो Brock Lesnar के साथ हमें जरूर कम्पीट करते हुए दिखा देंगे समर स्लैम में. उनकी इंजरी का यहां पर ऐसा लगता नहीं कि अब कोई ज्यादा कंसर्न है जो कि उनके फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है. अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी है Roman Reigns and the Rock जिसमें है Hobbs & Shaw उस मूवी के बारे में जो कि रिलीज भी हो चुकी है. तो इसका एक बहुत ही फनी इंसिडेंट सामने आता है और यहां पर सीन कुछ ऐसा होता है जब Roman Reigns and the Rock दोनों के हाथ में क्लब होता है और उनको बस प्रटेंड करना होता है, मतलब ऐसा दिखाना होता है सीन के लिए कि जैसे कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में उस क्लब को फेंक रहे हैं और Roman Reigns को यहां पर ये बात भी बताई जाती है रॉक की तरफ से कि आपको फेंकना नहीं है, जस्ट आपको वैसा एक्ट करना है. लेकिन Roman Reigns गलती से उस चीज को फेंक देते हैं और वो चीज लगती है सीधा कैमरामैन को और कैमरामैन हो जाता है नॉकड आउट. उसके बाद सभी लोग रॉक का चेहरा देखते हैं और Roman Reigns कहते हैं कि उसके बाद मैं पूरे दिन भर अपोलोजाइज करता रहा उस कैमरामैन के साथ, मुझे काफी बुरा लगा इस चीज को लेकर कि मैंने सीधा कैमरामैन को हिट कर दिया और ये काफी फनी स्टोरी थी. हालांकि कैमरामैन को यहां पर प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, वो भी कहते हैं मैं ठीक हूं, रॉक भी हंसते हैं, Roman Reigns भी हंसते हैं और ये कुछ एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि हमें बिहाइंड द सीन वाला देखने को मिला जो कि बहुत फनी था इस एक्शन सीन के दौरान. वैसे कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप में से कितने लोग Hobbs & Shaw मूवी को देख चुके हो. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी है द ग्रेट वन द रॉक से. रॉक की वापसी मैं भी देखना चाहता हूं, आप भी देखना चाहते हो, WWE यूनिवर्स सारा हर तरफ से फैंस देखना चाहता है, इवन जो उन्हें हॉलीवुड में भी पसंद करते हैं वो भी चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार फिर से अगर वो WWE में आ जाते तो पुराना वाला मजा आ जाता. लेकिन रिसेंटली जब Hobbs & Shaw मूवी को प्रमोट करने गए थे रॉक तो उन्होंने यहाँ पर काफी कुछ बातें करी. जब उनसे प्रो रेसलिंग के बारे में पूछा जाता है और WWE के बारे में पूछा जाता है उन्होंने कहा मैं रेसलिंग को मिस भी करता हूँ, मैं रेसलिंग को पसंद भी करता हूँ लेकिन मैं रिटायर हो चुका हूँ रेसलिंग से धीरे धीरे. मतलब उनका कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि ना उन्होंने कोई ऐसी अनाउंसमेंट करी है लेकिन धीरे धीरे वो दूसरे कामों में मतलब कि अपनी हॉलीवुड मूवीज के अंदर इतना बिजी हो गए कि वो क्वाइटली रिटायर हो चुके हैं रेसलिंग से. उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर मैं जिस जगह पर हूँ उस पर रेसलिंग का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इसी फैमिली में पला बड़ा हूँ जहाँ पर रेसलिंग ही है. मेरे ग्रैंडफादर जो है रेसलर थे उन्होंने कम्पीट किया है, मेरे फादर थे, मेरी पूरी फैमिली में ऐसा कुछ है. सबसे अच्छी बात उन्होंने यहाँ पर यह कही कि WWE के अंदर जाकर लाइव क्राउड के सामने परफॉर्म करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आपके हाथ में लाइव माइक्रोफोन होता है और ये चीज़ आपको और कहीं पर भी नहीं मिलती. और फिर से उन्होंने यहाँ पर रेसलिंग को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दिया कि आज वो जहाँ पर भी मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर उन्होंने इतना ज़रूर कह दिया कि वो क्वाइटली रिटायर हो चुके हैं रेसलिंग से. अब यहाँ पर ये बात तो हमें भी लग रही है कि कहीं ना कहीं द रॉक का कम्पीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक रेसलिंग मैच के अंदर. लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए द रॉक WWE में आ जाएँ. वैसे एक नहीं मुझे लगता है इन फ्यूचर काफ़ी सारे हमें अपीयरेंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं द रॉक WWE के अंदर अगर उनका जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा लाइट होता है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है लेकिन जहाँ तक बात है एक मैच की तो द रॉक ने यहाँ पर उन पॉसिबिलिटी को जो है काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है जो कि हमें ये भी पता चल रही थी कि क्या पता द रॉक वर्सेज Roman Reigns का कोई मैच हो जाए, समवन वर्सेज समवन, कज़िन वर्सेज कज़िन या फैमिली वर्सेज फैमिली वाला हमें एक मैच देखने को मिल जाए. तो इस तरीके से यहाँ पर रॉक ने ये तो कहा है कि वो क्वाइटली रिटायर हो चुके हैं रेसलिंग से लेकिन हमें ये भी पता है कि काफ़ी सारे ऐसे रेसलर रह चुके हैं WWE के अंदर जो कि रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद भी वापस आ चुके हैं. तो यहाँ पर तो द रॉक की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट है नहीं तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या रॉक के लिए रहता है. लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं रेसलिंग से. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी सारी मैंने आपको जिस वीडियो के अंदर बताई. तो इसको लाइक की बिना कहीं मत जाना. इसके अलावा आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे. सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो.